हेलो दोस्तों, पार्थ मोबाइल हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। आप बात करेंगे आईपैड एयर फर्स्ट जनरेशन, ये डेढ़ है, तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। पहले इसके डिस्प्ले का टच वाला हिस्सा उसको गर्म करेंगे हल्का, और फिर बहुत ही आसानी से उसको कटिंग करेंगे। उसका गम यहाँ से क्रॉस में कटिंग करेंगे और उसको जहाँ संभालना रहता है, क्योंकि उसका एक साइड में बेल्ट होता है और यहाँ तो थोड़ा खास कर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उसका होम की बटन होता है वहाँ पे। आप देख सकते हैं इस कितनी आसानी से खोला गया इसको। उसके बाद ये डिस्प्ले पर चार स्क्रू होते हैं, इसको रिमूव कर लीजिए। ये डिस्प्ले रिमूव किया हूँ। डिस्प्ले और टच का बेल्ट एक साथ में लगा होता है। डिस्प्ले को पहले टच को उठा के, उसके बाद डिस्प्ले को उठा के दोनों कनेक्टर से निकालना रहता है इसे। ये देख मदरबोर्ड चेक कर लेते हैं, मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी में पावर सप्लाई नहीं आ रहा है, बैटरी का प्रॉब्लम है इसमें। तो चलिए इसमें बैटरी चेंज करके देखते हैं, या फ़ोन चालू होता है कि नहीं, पैड चालू होता है कि नहीं। सॉरी, आप देख सकते हैं ये नई बैटरी है, बैटरी पैक है आईपैड का। चलिए इसको ओपन करते हैं। बैटरी पैड है, ये कनेक्टर है इसका। अभी इसको मदरबोर्ड को थोड़ा सा ऊपर करके इसको फिटिंग करना रहता है, इस तरीके से। देखिए इसको बहुत सावधानी से करना रहता है, नहीं तो मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है। इसको जरा सा ऊपर करना रहेगा, ये फिटिंग हो गया, कंप्लीट। खाली चेक करना रहेगा कि दोनों पॉइंट उसके पावर के, बैटरी के पैड के पॉइंट के ऊपर हैं कि नहीं, बस उतना। फिर वहाँ स्क्रू लगा देंगे ताकि लूज कनेक्ट ना हो। अभी फिटिंग कर देते हैं। देख सकते हैं सर, थोड़ा स्क्रीन को फिर से साफ कर लेते हैं। ये कनेक्टर लगा दिया, ये आपका पैड ऑन हो गया। ये पूरी तरह से चालू हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।